गाइस वेलकम टू एलएम क्लासेस। तो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं ज्योग्राफी की एक नई ट्रिक जो आपके सामने है, जो आपके लिए यूके पीएससी के एग्जाम्स के लिए, एसएससी के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मुझे नहीं लगता है कि इससे ज्यादा सरल ट्रिक आपको कहीं मिलेगी। तो मैं आज जो आपको बताने वाला हूँ, ये क्वेश्चन एक पूछा ही जाता है, जैसे कि हमारी ज्योग्राफी की जो ट्रिक दे रखी है वो है मकर रेखा पर स्थित देश, कर्क रेखा पर स्थित देश और भूमध्य रेखा पर स्थित देश। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि आपका क्या है, मकर रेखा पर स्थित देश कौन कौन से है। तो इसके लिए हमारे पास जो ट्रिक दे रखी है वो है हमारी मूंग योजना, मेघ योजना। इसका मतलब क्या है, मे से बनता है आपका मेडागास्कर, बो से बनता है आपका बोत्सवाना, द से बनता है आपका दक्षिण अफ्रीका और ना से बनता है आपका नामीबिया। ऐसे ही हमारे पास दूसरा जो दे रखा है आपके पास कर्क रेखा पर स्थित देश। कर्क रेखा पर स्थित देश के लिए मैंने जो ट्रिक बनाई है आपके लिए, वो मैंने आपके लिए क्या बनाई है देखिए, वो मैंने आपके लिए बनाई है मिलीना अमास। कितनी सरल तरीके है, देखो मिलीना अमास। मी से क्या बन रहा है आपका मिस्र बन रहा है, ली से क्या बन रहा है लीबिया, ना से बन रहा है नाइजर, आ से बन रहा है आपका अल्जीरिया, माँ से माली और सा से सारा। सारा क्या है, मरुस्थल है जहां से क्या गुजरती है आपकी कर्क रेखा गुजरती है। तीसरा मैंने आपके लिए जो ट्रिक बनाई है वो बनाई है भूमध्य रेखा पर स्थित देश। भूमध्य रेखा पर स्थित देशों को कितनी सरल ट्रिक मैंने आपके लिए बनाई है, देखो सो के युग, कितनी इजी ट्रिक है, आपको आराम से याद हो जाएगा, दो शब्द है सो के युग। सो से क्या बन रहा है सोमालिया, के से क्या बन रहा है केन्या, यू से युगांडा और गे से क्या बन रहा है गैबन। तो देख सकते हैं आप गाइस कितने इजी वे में मैंने आपके लिए जो ट्रिक बनाई है, इससे आप आसानी से क्या याद कर सकते हैं कि कौन सी रेखा पर कौन सा देश क्या है स्थित है। ऐसे ही मैं आपके लिए बहुत सारी ट्रिक लेकर आऊंगा और मैं अपने आप से ट्राई कर रहा हूँ। इसके अलावा और भी अगर आपको लगता है कि कुछ नई ट्रिक होनी चाहिए, आपको ऐसा लगता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे किस किस टॉपिक पर मैं आपके लिए क्या करूँ, मैं आपके लिए ट्रिक बनाऊंगा। बाकी हमारे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और ऐसे ही बस सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच।